यहाँ पे हमने ये बना लिए शेप। ठीक है, अब ये जो खुली हुई है ना थोड़ी बहुत, वैसे हम इसको करेंगे एक्सपैंड, इसको बनाएंगे एक शेप वाली, ये भी टेक्स्ट के फॉर्मेट में। अभी हम इसको एक फिल लेके आएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बना लिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से पॉइंट को बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाना है। ठीक है, जो पहले हम यहाँ से इसको नीचे ले लेते हैं, इधर से, इधर से, हम दोनों सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट एम को करके हम करेंगे शेप बिल्डर टूल ऑन, दोनों को सेलेक्ट करके एक शेप बना देंगे। पीछे चला गया मेरे ख्याल, इसको आगे ले आते हैं। हमने जो है ना जो चीज करनी है जो मजाक रहा है, पहले तो हम इनकी जो है बॉर्डर जोन को कर लेते हैं, सिर्फ ये ना सबको भी कर दो। सबको ही करना है। ठीक, अब इसको लेदर लेदर देखने के लिए हम करेंगे ये, इसी तरह हम ले जाएंगे इसको, ले लेंगे। ये बना चाहिए ना सर, यहाँ हमने उसका शेड दिया है, शेड टाइप। अच्छा इधर में एक चीज कर सकते हैं, या तो इन दोनों को साथ जोड़ दें, या तो उसके पीछे ले आए। लगेगा।
हाथ जोड़ के चेक करो कैसे लग रहा है। हाथ जोड़ के समझ आ रही है। दोबारा खराब हो करते हैं तो लग रहा है। छेड़ना जरूर है चाय खराब हो जाए। पंगे लेने पंगे लेगा कुछ ना कुछ तो बनेगा। वो नहीं बनेगा जो चाह रहे कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा ना। पंगे जरूर लेने हैं चाहे खराब हो लेकिन पंगे लेने ही लेने हैं। और सीखने को मिलेगा मैं भी इसलिए पंगे लेता हूँ। जो होगा देखी जाएगी आप अच्छे हैं क्या। होता रहता उसके साथ यहाँ तक सही हो गया। अगर हम यही काट दें जाता क्या है और इसको पकड़ें और इसकी डुप्लीकेट लें और ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट फिर रिफ्लेक्ट हॉरिजॉन्टल सही हो सकता है। अब हम सिलेक्ट करेंगे चारों के पॉइंट्स को और यहाँ से चाहते हैं ज्वाइन नहीं होना ना हो मैसेज कर लेंगे उसे पूछ मुझसे क्या पूछ इसको यहाँ से कनेक्ट इन दे देते हैं फिर यहाँ से इसको थोड़ा ऐसा करते हैं इसको सेलेक्ट केड़ा पॉइंट है तेरा अंदर खत्म ही नहीं हो रहा अच्छा ये भी है डिलीट करके वहां से तो फिर वो चीज गायब हो जाएगी कि पॉइंट हटेगा देखो ना एक दो
ऐसे करिए पीछे ले गए एक स्टेप स्टेप। थोड़ा सा बोल दो कुछ तो बना ही है ग्रुप, इसको थोड़ा इधर करेंगे, साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, इसको हम लेंगे पीछे। ठीक ऐसी तो फिर ऐसे से फिर हम करेंगे इसको सिलेक्ट, आई आई ड्रॉपर सिलेक्ट करेंगे, फिर हम इसके यहाँ से ग्रेडियंट को ये गलत हो ग्रेडिएंट गया को सेट होती है। भाई, पहले हम इसको करेंगे शेप बिल्डर टूल का है, या हम ये बना लेते हैं यहाँ से, हम दोनों को एक लेयर बना देंगे। ठीक है अब फिर हम करेंगे इसके ऊपर ऐसे, ठीक है फिर हम यहाँ से ग्रेडियंट को सिलेक्ट करते हैं, जहाँ से हमें डार्क कलर की शेडो चाहिए हम इसको वहां पे ले जाएंगे, यहाँ पे चाहिए है ना। उतना क्यों डालूं भाई, हर जगह की अलग अलग शेडो होती है, समझ रही हो। वही थोड़ी देर है दिखाता हूँ तुझे, मैं देखना चाह रहा है। नहीं भाई ऐसे केड़ी गाले नहीं नजर आएगा, कोई बात नहीं। यहाँ से इसका कलर इधर देते इसको कर देते हैं बिल्कुल नीचे, नीचे लगा थोड़ा सा यहाँ नहीं यहाँ, किसको ये जो लाइन जा रही है जा रही है यहाँ से, हम चली गई है और नहीं आंधी। थोड़ी सी हम इसके अंदर ऐड एडिशनल थोड़ी अच्छी हो दिखने के लिए एडिंग करेंगे, अब वो क्या करेंगे ये हम सोचेंगे। बंग डाल दें हाँ थोड़ा बहुत कॉर्नर्स को देखते हैं कि क्या करना चाहिए कॉर्नर्स पे, क्योंकि अच्छे दिखने के लिए हमें कॉर्नर्स का सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ वैसे करके इसको हम कर लेते हैं, यहाँ पहले पेन टूल से थोड़े बहुत पॉइंट फूल लगा देते हैं अंदर को, इस तरह भी लगा ही देते हैं, फिर हम ये पकड़ते हैं फिर इसको अंदर वाड़ देते हैं, वाड़ दिया। फिर हम करते हैं इसकी ओपेसिटी डाउन, प्रॉपर्टीज में जाके ओपेसिटी करते हैं डाउन। अब यहाँ पे इन दोनों को करते हैं सेलेक्ट, फिर हम करेंगे शिफ्ट एम शेप बिल्डर टूल और दोबारा के करेंगे इनको कट, फिर हम इफेक्ट में जाएंगे, में ढूंढेंगे ब्लर का है, गॉशियन ब्लर ढूंढेंगे पूरे पार दे, इतना भी नहीं पाड़ना इसकी पार्ट ही है, इस तरह करके बहुत ज्यादा ही हो गया था। पंगे लो ले कुछ ना कुछ लो, बनेगा, जैसे वो ऐसे बन गया सब बन जाएगा। याद आ गया, ये अच्छी लग रही, यही मंगाएंगे, करेंगे कंट्रोल सी एफ, ठीक है डुप्लीकेट, फिर हम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, फिर रिफ्लेक्ट करेंगे, पहले तो हमने इसको ले गया ना, चलो ये हॉरिजॉन्टल करेंगे एक दफा, फिर हम एक दफा वर्टिकल कर लेंगे, वर्टिकल हम इसको दर्शा के फिट कर, ठीक है गैलेक्सी लुक दे रहा है, दे रही है दे रही है। चलो तो थले गए ना, नहीं फिर हम थोड़े से और एडिशनल जैसे कि ऐसे करके डाल दो,
ऑल्ट से उसकी कॉपी बनती वो करके हम छोर भी ट्राई मार सकते हैं। वीडियो शॉर्ट करके ना तेज करके टिकटॉक पे डाल देंगे। सही। अमेजिंग ज्यादा अब ज्यादा तुझे मैं बता दूं सेव कैसे करना है। कंट्रोल शिफ्ट एस या फाइल में जाएगा सेव एस। यहाँ पे किधर करूँ डेस्कटॉप पे। ठीक यहाँ पे तो उसका नाम दे देना है जैसे कि ए एस लो डिजाइन क्लास। ठीक है। और अगर इसकी इमेज सेव करनी है तो यहाँ पे जाओ एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एज। यहाँ पे इसकी फॉर्मेट सेलेक्ट करो पी एन जी। पी एन जी होता है कि भाई अगर तो आपने पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं रखा हुआ जैसे कि ये ब्लैक मैंने रखा हुआ है। अब ये मैं हटा दूंगा इसका खुद का जो कैनवास का कलर होता है वो रखूंगा ना तो फिर वो चीज़ नहीं आएगी। ये जो आएगी ना ये एलिमेंट्स आएंगे ये जिसकी मैंने शेप बनाई होगी। ठीक है। अगर तुम्हें व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए तो वहाँ पे शेप इसी तरह की करोगे रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे उस पूरे कैनवास पे और वो उसके हिसाब से कलर का कलर बना दोगे या एक लेयर कलर बना दोगे फिर उसका बीजी बन जाएगा बैकग्राउंड बन जाएगा। ये अगर ऐसा मतलब कि कुछ भी नहीं करना कि भाई आप चाहते हो कि बैकग्राउंड हटिए ये चीज़ें ये चीज़ें ये चीज़ें ये चीज़ें ये आ जाए। ठीक है। तो आपने भाई बैकग्राउंड हटा के ठीक है फिर आपने पी एन जी सेव कर लेनी है तो सिर्फ ये ए एस और ये जो तुमने बगाया वगैरह किया ये आ ये जाएगा। एक किस तरह करके और बैकग्राउंड मैं हटा तो दूं। बताता हूँ ठहर जा पहले हम इसको कर लेते हैं जे पैग में ताकि तुझे मैं पी एन जी की समझा दूँ। एक हमारे पास जे पैग में एक हो जाए सी एम वाई के मैंने बताया हुआ है किसके लिए नहीं है। ये पहले भी हुई हुई है यार जी सी एम वाई के इसकी कहाँ से चेंज होती है पोलार से नहीं पता ही से नहीं कुछ होता था पता नहीं याद नहीं आ रहा मुझे। नहीं अच्छा सेफ नहीं हो रही। हो गई है वो तो हो गई है। अब हम मैं तुझे बताता हूँ अब भाई बैकग्राउंड की जो बात करते बैकग्राउंड मैंने हटा दिया। अब ये इसका अपना बैकग्राउंड है जो कैनवास हमने सेलेक्ट किया था कैनवास है बैकग्राउंड नहीं है। अब एक्सपोर्ट करूँगा भाई इसमें से बड़ी दफा होता है पीएनजी डेस्कटॉप। इसका क्या फायदा था ये? ये आर्टबोर्ड होते हैं ना मैं बताया था कि बहुत सारे आर्टबोर्ड होंगे तो वो पूछेगा भाई पहले भाई इसकी सेव करनी है इसकी सेव करनी है सारे एक साथ सेव करनी है तो उसकी रेंज के साथ देख हट गया बैग। वाइट वाला या तो ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी ठीक ब्लैक जो हमने किया वह तुझे दिखाना था अब ऐसे वो है कहाँ। डन हो गया। बारे को पहला काम कामयाब हो हो गया गया कामयाब हो गया किसी तरह। समझ रही काफी है इतने के लिए यार। कल वो जो तू लॉक वगैरह कह रहा था दिल वाला वो कर लेंगे अभी ग्रेडिएंट समझ में आ गए ना। अच्छी बात कल संभाल गए कि ना आप देख इसकी इतने जल्दी नहीं फटेंगे ये फटेंगे एक जगह जाके क्वालिटी अच्छी है उसकी। हर चीज के पिक्सल फट जाते हैं काफी हाँ जेपैग या इजीली। पीएनजी ये भी जेपैग है जेपैग मुझे पीएनजी करके दिखाओ ना इसकी पीएनजी करते हैं बैकग्राउंड के साथ पीएनजी पीएनजी में क्या से ज्यादा हाई क्वालिटी है नीचे वाले अभी हाँ ये भाई वाला कर देना। देख उसकी है 60 इसकी 115 थोड़ी देर बाद फटेंगे। अब तक भी नहीं फटे थे।
फाटी जो पीएनजी सही है। पीएनजी में क्या हाई, मतलब कि वो ज्यादा स्पेस लेती है यार। जे पैक में अगर वही है, अगर आपने बैकग्राउंड नहीं करना ऐसे कर लो। वैसे तो मैं पीएनजी में करता हूँ, जब से मैंने देखा है कि हाई क्वालिटी अच्छी है इसकी, इसलिए पीएनजी में कर लेता हूँ। तो अगर आपको चाहिए कि फाइल की साइज कम होता है, कभी कभी चाहिए होता है फाइल का साइज कम हो जाए, फाइबर वायर करने के लिए आपको जो इमेज का साइज वो रिड्यूस करना ही पड़ता है, ठीक है, उस हिसाब से फिर जेपैक ठीक है। अगर वैसे आपने अगर यू सोशल मीडिया वगैरह पर लगानी है तो ज़्यादा नहीं है, और अगर आपको पेज की स्पीड ज़्यादा करनी है वेबसाइट वगैरह के लिए, तो फिर आप उसकी इमेज का जो है साइज रिड्यूस करते हो, ताकि जैसे वो क्लिक करे तो इमेज का साइज, मतलब साइज लोड होते हुए इतना टाइम ना ले, सो इसी दही उसकी आ जाए, और उसके कम लिए MB कम या कम उसकी साइज होगा उतनी जल्दी वो लोड होगा, इस हिसाब से लाओ मोहन भाई को मेरे में। हाँ वो नहीं ना थे तो शुगर टाइम पे क्लास खत्म हुई है। अब इनको क्या कहूँ। कहीं फिर आप उनको दिखाओ भाई क्या बनाया हमने आज, दिखाना चाहिए। लाओ वीडियो रोक।